नमस्कार, मैं शाली, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। जी हाँ, बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार की सियासत में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे में एक बार फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार 2025 में बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार अब सभी विपक्षी पार्टियों समेत ये दावा ठोका जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी पर अपने पर भरोसा है, और वहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से वादा भी लिया है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो जेडीयू के नेतृत्व में ही एनडीए जो पूरा गठबंधन है वो चुनाव लड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। ऐसे में नीतीश कुमार को वादा तो कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या ये वादा पूरा होता नजर आएगा भी, या फिर खुद के ही यहाँ पर जो दल है वो अड़चन खड़ी करते हुए नजर आएंगे। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विपक्षी पार्टियां उन पर निशाना साध देती है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को डर है कि ईडी और सीबीआई जो है वो उनको लेकर कोई कार्यवाही करनी शुरू ना कर दे और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे ईडी और सीबीआई को ना लगा दे। क्या सच में नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई का जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल शालिनी, देखा जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान से ही नीतीश कुमार एक मजबूत स्तंभ के तौर पर माने जा रहे हैं, और ऐसे में देखा गया केंद्र की सरकार बनाने में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जेडीयू और टीडीपी का बहुत बड़ा हाथ यहां पर है। क्योंकि देखा गया जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आई, तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हुई नजर आती हैं और गठबंधन के तहत सरकार बनती हुई नजर आती है, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आती है, और अब वही हालात कहीं ना कहीं बिहार के अंदर हैं। बिहार के अंदर जो मौजूदा सरकार है वो भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब ऐसे में बाकी स्थिति बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में 2025 में बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अगर नीतीश कुमार वापसी करते हैं और सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज यहां पर देखा जा रहा है जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार एनडीए से नाराज होकर खफा होकर अगर अलग हो जाते हैं, आरजेडी का दामन थाम लेते हैं, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद सरकार में वापसी करते हैं, एक बार दोबारा से सीएम बनते हैं 10वीं बार, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से आप दिल्ली में देख रही हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लंबे अरसे से शराब नीति मामले में कार्रवाई जारी है, ठीक वही हश्र सीएम नीतीश कुमार का ना हो जाए, इसी डर से शायद वह एनडीए के साथ नाता नहीं तोड़ना चाहते हैं और बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार बना के खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखना तो यही चाहते हैं कि वो एक बार फिर से खुद ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या बन भी पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो एनडीए के साथ ऐसे दल जुड़े हुए हैं जो अपने आप को सीएम की गद्दी पर देखते हैं। यहाँ पर नाम आ जाता है सम्राट चौधरी का, चिराग पासवान का, जीतनराम मांझी का, अब तो पशुपति पारस भी चुनावी मैदान में बिहार के उतर चुके हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। तो क्या नीतीश कुमार जो लगातार ये दावा ठोक रहे थे कि उन्हीं की सरकार बनेगी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा बन भी पाएंगे या नहीं? लेकिन वही देखा जाए कि जेडीयू पार्टी को एक नया उत्तराधिकारी देना है। जेडीयू पार्टी में नीतीश कुमार अपने बेटे की एंट्री भी कराना चाह रहे हैं, लेकिन बेटे जो है वो राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं क्या? लेकिन फिर भी मनीष, ये कह सकते हैं कि पिता की विरासत को संभालने के लिए जो उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, वो राजनीति में एंट्री करेंगे ना चाहते हुए? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से देखा जा रहा है, जब से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करती हुई जेडीयू देखी जा रही है, तो उसके बाद से यहां पर मीडिया के कैमरों में जब निशांत कुमार कैप्चर हो जाते हैं और उसके बाद मीडिया काफ़ी लंबे अरसे तक निशांत कुमार को लेकर तमाम चीज़ें, तमाम यहाँ पर दावे और तमाम वादे करती हुई नजर आती है, कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार की हालात बीच में कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए नजर आए, उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती हुई
नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए शायद वो पीएम मोदी के नामांकन के दौरान भी वाराणसी नहीं पहुंचे जहां जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हों, शायद यही वजह रही हो कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने की। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से निशांत कुमार पेशे से इंजीनियर हैं, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, अनुभव नहीं है उनका राजनीति में, तो अपने दम पर तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर राजनीति में उनकी कहीं ना कहीं एंट्री ना हो। लेकिन सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम नेताओं की यही मांग है, तमाम मंत्रियों की यही मांग है कि नीतीश कुमार की विरासत को अगर कोई भली भांति संभाल सकता है तो वो उनके पुत्र निशांत कुमार हैं। और निशांत कुमार जिस तरीके से राजनीति से खुद को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं, और नीतीश कुमार इस जद्दोजहद में है कि उनके पुत्र निशांत कुमार को कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी बनाया जाए, आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो स्थिति काफी ज्यादा यहाँ पर सोचने वाली है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होना है वो जेडीयू के हाथ से नहीं जाना चाहिए, चाहे एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार खुद को ही सीएम के तौर पर देखते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में अगर 10वीं बार नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम बनते हैं तो निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं उनको शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, और अगर यहाँ पर खुद सीएम नहीं बनते हैं तो बेशक यहाँ पर निशांत कुमार का नाम वो सीएम के तौर पर आगे करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को उनके बेटे निशांत कुमार संभालते हुए नजर आएंगे भी या फिर जेडीयू में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन वही एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा आपसे, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब जो है वो छोटा ही रहे, क्योंकि मनीष देखिए जिस प्रकार से अब नीतीश कुमार की भूमिका एनडीए में है, तो जिस तरीके से लगातार उन्हें एक के बाद एक नई वजह मिल रही है एनडीए का साथ छोड़ने की, नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से महागठबंधन में जाकर शामिल होते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल शालिनी, देखिए जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा पटना रोड शो, जब पीएम नरेंद्र मोदी पटना पहुंचते हैं और उसी रथ पर सवार नीतीश कुमार रहते हैं, तो यहां पर नरेंद्र मोदी कमल का सिंबल उनके हाथ में दे देते हैं, और प्रचार करने आए थे वो जेडीयू के लिए लेकिन कमल का सिंबल यहाँ पर हाथ में दे देते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लग जाती है कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर इस तरह से हावी है कि अपना चुनावी चिन्ह नीतीश कुमार के हाथ में देकर प्रचार करवा रही है, तो स्थिति साफ थी कि यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शायद ये वजह भी एक अहम रही हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान वाराणसी नहीं पहुंचे, और ऐसे में देखा जा रहा है उसके बाद जब जेडीयू के यहाँ पर तमाम नेताओं ने तमाम विधायकों ने बगावत करनी शुरू करी, पार्टी यहाँ पर दल बदलते हुए भी नजर आए, और ऐसे में देखा गया यहाँ पर लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए, उस दौरान तेजस्वी यादव अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव ने मंच से ऐलान कर दिया था कि चाचा के साथ रहेंगे, और देखा गया जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार उस दौरान ये भी बोलते हुए नजर आए थे कि हमारे बाद अगर बिहार का कोई सीएम होगा वो तेजस्वी यादव होंगे, तो बेशक यहाँ पर एनडीए गठबंधन के साथ किनारा अगर करेंगे भी नीतीश कुमार तो आरजेडी के पास जाएंगे और आरजेडी जेडीयू की सरकार बनेगी, और अगर आरजेडी जेडीयू की सरकार बनती है शालिनी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत ही घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, अब देखना वही होगा कि आखिरकार 2025 में क्या कुछ होगा, क्या जेडीयू की सरकार बनेगी, क्या एनडीए के साथ मिलकर जेडीयू की सरकार बनेगी या फिर आरजेडी के साथ मिलकर। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।